धर्मनगरी काशी में कोरोना वायरस का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। कोरोना वायरस से संक्रमितों की संख्या यहां 392 हो गई है। हालांकि इनमें से 111 एक्टिव केस है। यहां अभी तक कुल 6,95,404 लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग हो चुकी है। वहीं 10,398 संदिग्ध लोगों की जाँच की जा चुकी है। गुरुवार को कुल 150 लोगों की जाँच की गयी। कोरोना लॉकडाउन के बाद सरकार की तरफ से किए अनलॉक में जहां कई तरह की छूट दी गई थी, वहीं कुछ नियम और शर्तें भी लागू की गई थी। वाराणसी में कुछ ऑटो और ई रिक्शा चालक नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, जिसकी वजह से पुलिस भी गंभीर हो गई है। पुलिस ने बताया कि ई रिक्शा और ऑटो में नियमों के हिसाब से ज्यादा सवारी बैठाने पर कार्रवाई की जा रही है। नोवल कोरोना वायरस की वजह से जहां हर कोई परेशान है, वहीं इसी बीच राजनीति भी गर्म है। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में कांग्रेसियों ने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेसियों ने शास्त्री घाट पर धरना प्रदर्शन कर सरकार पर घोटाले और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। कोरोना काल में अंतर्राष्ट्रीय विश्व हिंदू परिषद के संगठन ने गरीब, मजदूर, जरूरतमंदों एवं असहाय लोगों की मदद की है। संगठन के लोगों ने मास्क, सैनिटाइजर समेत भोजन तक की मदद कर सराहनीय कार्य किया है। इसी कड़ी में वाराणसी के मिर्जा मुराद थाना इलाके के करधना बाजार में अंतर्राष्ट्रीय विश्व हिंदू परिषद के स्थापना दिवस के अवसर पर संगठन द्वारा मास्क वितरित किए गए। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी टिड्डियों के देखे जाने से किसानों एवं प्रशासन में हड़कंप मच गया। एक तरफ कोरोना महामारी से देश जूझ रहा है, दूसरी तरफ टिड्डी दल लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। टिड्डियों का आतंक किसानों की फसलों पर टूट पड़ा है।